Jotham Ham, उम्र 28 वर्ष, समीर अल तलालका, उम्र 25 वर्ष, अलोन शमरिच, उम्र 26 वर्ष। तीनों युवक हमास के आतंकवादी नहीं है, फिलिस्तीनी नहीं है, बल्कि इजरायली है। इजरायल की सेना ने अपने ही तीन नागरिकों को गोली मार दी। क्यों, कहां और कब की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। गाजा सिटी के शेजैया इलाके में एक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा कि ये लोग उनके लिए खतरा है। गोली मारने के बाद जब शवों के पास पहुंचे तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में संदेह हुआ। बाद में पता चला कि वो इजरायल के ही नागरिक है। मतलब चूक हुई। इजरायली डिफेंस फोर्स की गलत पहचान के चलते की गई फायरिंग में इजरायल के तीनों युवकों की मौत हुई है। इन तीनों युवकों का 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजरायल से अपहरण कर लिया गया था। शोजाया में जब इजरायल सेना ने फायरिंग करनी शुरू की तो इजरायल के ही तीनों बंधक चपेट में आ गए और मारे गए। अब आलम यह है कि इजरायल में हंगामा खड़ा हो गया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हंगामा पसरा है। नाराज लोगों ने तेल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है। लोग हाथों में बंदूकों की तस्वीर लिए और दिल में दर्द लिए अपनों को जल्दी से जल्दी छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF से हो गई है बड़ी चूक। इजरायली डिफेंस फोर्स जमीन पर गाजा को जला रहा है, इंच दर इंच हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है, जो मिलकर उन्हें ठिकाने लगा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा इजरायल बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगा है। इस घटना के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हाय तौबा मची है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक हमले में 3 बंधकों को मार डाला है। हमास की कैद में छटपटाते बंधकों को हमास की नहीं इजरायली सेना की ही गोली लगी है। इस घटना के बाद इजरायल में मातम पसरा है। अमेरिका ने कहा है बहुत दुखद हुआ। It's tragic, this news coming out of Gaza today about these hostages being killed in the conduct of a raid. I want to be careful here not to speak to too many specifics because we don't have perfect visibility on exactly how this operation unfolded and how this tragic mistake was made. But obviously, this is not an outcome that anybody wanted to see. युद्ध में गलती होना सामान्य घटना है, लेकिन 3 बंधकों के मारे जाने से इजरायल की जनता गुस्से में दिख रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के 240 लोगों को बंधक बना लिया था। युद्ध विराम के दौरान हमास ने 105 बंधकों को छोड़ा। इसके बाद कहा गया कि हमास के कब्जे में अभी भी 137 बंधक बचे हुए हैं जिसे छुड़ाया जाना है। अब खबर आ रही है कि बंधकों में से 3 को इजरायली सेना ने ही गलती से मार डाला। बंधक संकट बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। बेन्यामिन नेतन्याहू देश विदेश से इस दबाव में है कि आम फिलिस्तीनियों की हत्या से इजरायल को बचना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि युद्ध और बंधकों की रिहाई एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हमास युद्ध विराम चाहता है और इजरायल इस युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है। इस बीच बंधकों की जान हमास की बंदूक की गोली में अटकी है। बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए इतना ही नहीं, एक और ताजा मुश्किल आ खड़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, राष्ट्रपति बाइडन ने इजरायल को जो मशवरा दिया है उसे आपको भी बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। गाजा में जारी अंधाधुंध बमबारी के कारण इजरायल दुनिया का समर्थन खो रहा है। अमेरिका की यह चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संघ के कारण ही इजरायल पूरे अरब वर्ल्ड को चैलेंज करते हुए गाजा में बमबारी कर रहा है। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों की मौत देखकर दुनिया का कलेजा मुंह को आ रहा है। अमेरिका अब इस युद्ध में खुद को अलग खड़ा दिखाना चाहता है। इजरायल का साथ हर कदम पर देने वाले अमेरिका ने 2 टूक क्लियर कर दिया है कि इजरायल को चुनिंदा ठिकानों पर हमले करने चाहिए, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना चाहिए, लेकिन उस दौरान नागरिकों की मौत नहीं होनी चाहिए। इतनी कैटेगरी वाला हमला युद्ध में नहीं होता, लेकिन कूटनीति में होता है। अमेरिका यही कर रहा है।
युद्ध खत्म करने की इतनी जल्दी अमेरिका को होती तो ना लाल सागर में और ना ही भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत पहरा दे रहे होते। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के खिलाफ वीटो नहीं करता। अमेरिका इसराइल को बेहद सस्ते और हर संभव हथियार सप्लाई नहीं करता। लिहाजा आम फिलिस्तीनियों की मौत पर बाइडन के आंसू घड़ियाली हैं, जिनका जमीनी युद्ध से कोई सरोकार नहीं। अमेरिका कल भी इसराइल के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसकी गारंटी है। क्यों, अमेरिका की क्या मजबूरी है, इसे विस्तार से आगे बताएंगे। अभी इसराइल के नागरिकों के एक और प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। इन लोगों की मांग है कि युद्ध विराम तत्काल लागू हो। We will only see peace when everybody has equal rights and freedom, and we can't have peace unless this happens. If one people have rights and other people are oppressed, there won't be justice and there won't be peace. युद्ध शुरू होने के बाद से ही अब तक इसराइल के हमले में गाजा में कम से कम 18,700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों की संख्या 51,000 के करीब है। सिर्फ 24 घंटे में इसराइल ने हमास के 10 और लड़ाकों को मारने का दावा किया है। वहीं हमास के हमले में 1400 इसराइली मारे गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका की नई सलाह सुनिए। That you know we can necessarily make some sort of broad judgment about the specific circumstances here and what that says about the ability for them to be more surgical and more precise. I would add that you know when they went into North Gaza, they went in with a much smaller footprint and they were able to conduct smaller scale, smaller unit operations than what they had originally planned to do. अमेरिका क्या चाहता है, युद्ध की दशा और दिशा पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। इसराइल और हमास के बीच शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इजरायली सेना के विमान लगातार हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में बम बरसा रहे हैं। युद्ध की वजह से मासूमों को जान गंवानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मिशन ने कहा है कि इसराइल को अपने अवैध व्यवहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर काम कर रहा है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस दौरान गाजा में लोगों को भेजे जाने वाली मानवीय मदद को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, लेकिन इस जोर का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हेल्थ सिस्टम के बर्बाद होने पर चिंता जताई है। गाजा में 36 अस्पताल थे, जिनमें से सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गाजा में 22,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। इसकी वजह से 19 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं, जो गाजा की आबादी का 85% हिस्सा है। बेघर हुए लोगों को सर्दी और बारिश जैसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं निकला जो इसराइल को आम फिलिस्तीनियों की किलिंग से रोक सके। हालांकि किलिंग रोकना तो दूर, ईरान जैसे देश ने तो हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। लेबनान के हिजबुल्ला के हमले और यमन से हूथी विद्रोहियों के हमले इसराइल युद्ध में एक डिग्री भर का फर्क नहीं ला सकते। कहा जा रहा है कि गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी तो 40,000 होगी, लेकिन मौत और मातम पूरा गाजा भूख रहा है।